हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10th और 12th की जो है क्वेश्चन बैंक का सॉल्व कर रहे हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है वो क्लास 12th की जनरल इंग्लिश है ना, 2020-21 की जो क्वेश्चन बैंक है उसका जो सेक्शन सी हम कर रहे हैं। सेक्शन सी में हम ग्रामर कर रहे हैं। एंशिएंट पैसेज के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप है ना प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं, जो भी आपको देखना है ना। जो क्वेश्चन बैंक में जितनी भी एंशिएंट पैसेज थे सभी के मैंने जो है वीडियो बना के डाले हैं, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से। और पिछला वीडियो हमने डाला था जिसमें सेक्शन सी के अंतर्गत हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया था, ठीक है, जो 5 नंबर में आता है, और उसके अंतर्गत हमने 20 सेंटेंसेस किए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन अगला, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो आसानी से मिल सके, और आपको हमारे चैनल के माध्यम से पूरी क्वेश्चन बैंक करवाई जाएगी 10th 12th 9th और 11th की, है ना। तो कोई भी क्वेरीज हो तो आप है ना बेहिचक पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू एज डायरेक्टेड में क्या किया जाता है, आपसे जैसा वो कहते हैं वैसा आपको करना होता है। क्वेश्चन जो रहता है उसके सामने कोष्टक में आपको दिया जाता है कि इसको कैसे करना है। तो पहला सेंटेंस है, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, ठीक है। इसको आपको क्या बनाना है, मेक क्वेश्चन विथ हाउ मच, यानी हाउ मच का इस्तेमाल करते हुए आपको इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है। तो हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, तो आप देख पा रहे हैं ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है ना, कि उसके भाई ने पूरा का पूरा जो सोना है वो बेच दिया। अब हम हाउ मच से स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हाउ मच, ठीक है। अब पास्ट इंडिफिनिट का है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमको, डिड, तो हो जाएगा हाउ मच गोल्ड, है ना। ये गोल्ड के बारे में पूछा है ना, तो गोल्ड को भी लिखेंगे हाउ मच के जस्ट बाद में, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी आपको क्या करना है, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, यानी उसके भाई ने कितना सोना बेच दिया। तो उसका आंसर रहेगा कि हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, पूरा का पूरा जो है सोना बेच दिया। चलिए अगला सेंटेंस सेकंड वाला, इसमें क्या करना है, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, चेंज द वॉइस, इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब आई नो द बॉय प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है ना, तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद में। तो सेंटेंस बनेगा द बॉय इज नोन बाई मी, क्या लिखेंगे, द बॉय इज नोन, है ना, नो का हो जाएगा नोन, नोन बाई मी, ठीक है। अगला है थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस में है, ही इज माई ब्रदर, ही इज वेयरिंग ए रेड शर्ट, कंबाइन टू मेक रिलेटिव क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। आपको क्या करना है, रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को जोड़ना है। तो रिलेटिव क्लास में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंसानों के लिए हूँ, हुज और हुम का, और वस्तुओं के लिए विच का। अब यहाँ पर ही एक इंसान है इसलिए है ना हम यहाँ पर हूँ का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस ऐसे बनेगा, पहले तो हम क्या लिखेंगे, ही इज माई ब्रदर, और ये ही इज को हटा के इसके स्थान पर लगा देंगे हूँ, ठीक है। हूँ इज वियरिंग ए रेड शर्ट, वह मेरा भाई है जिसने रेड शर्ट पहनी है, ठीक है। इसको दूसरे प्रकार से बना सकते हैं, कैसे, ही हु इज वियरिंग ए रेड शर्ट इज माई ब्रदर, दोनों तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा सेंटेंस, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, आपको क्या करना है, टू टू लगाना है सो दैट के स्थान पर। तो ये पता ही आपको, एक सो को हटा के टू लिखेंगे, एक दैट को हटा के टू लिखेंगे, और ये ही कैन नॉट जो आया है इसको हम पूरी तरह हटा देंगे। सेंटेंस बनेगा, ही इज टू वीक टू वॉक। आगे बढ़ते हैं, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इन टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। अब ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, कैसे पहचाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो द चाइल्ड, ठीक है, वाज क्राइंग फॉर मिल्क, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वेयर लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एनजी लगती है। चलिए अगला सेंटेंस है, ही गेट्स अ सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, कंबाइन यूजिंग नो सुनर देन, आपको नो सुनर देन का यूज़ करना है ना, कि उसने सैलरी प्राप्त की और उसने खर्च करना शुरू कर दिया। तो हम नो सुनर से स्टार्ट करेंगे, और ये पहला वाला सेंटेंस है इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो देखिए कैसे, नो सुनर लिखा हमने, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, नो सुनर लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, ही गेट्स अ सैलरी का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नो सुनर डज ही गेट सैलरी, ठीक है, और देन लगा के दूसरा वाला वाक्य लिख देंगे।
देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, ठीक है, ये बन जाएगा। आगे है राजू राइट केन आइदर विथ हैंड, इसको अरेंज करना है ना, जंपल्ड वर्ड्स को और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, राजू दोनों हाथों से लिख सकता है, ये इसका हो जाएगा। आठवा है मैक्स टी चेंज द वॉइस, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य ऐसे ही बनेगा, टी इज मेड बाय हिम। अगला सेंटेंस है एज सुन एज ही क्लोज हिज आइज द टेलीफोन रिंग, राइट यूजिंग नो सुनर देन इन प्लेस ऑफ एस यू एन, एज सुन एज के स्थान पर नो सुनर देन का यूज करना है, तो ऐसा ही करेंगे, एज सुन एज को हटाएंगे पूरी तरह, उसके स्थान पर नो सुनर लिख देंगे, ठीक है, और ये जो पहला वाला सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देंगे, तो कैसे बनेगा देखते हैं। नो सुनर डिड ही क्लोज हिज आइज देन द टेलीफोन रिंग, ओके, ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य था इसलिए हमने डिड से स्टार्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस हमारे पास दसवां सेंटेंस है और इसमें है दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में करना है, तो दे प्ले फुटबॉल इसका बन जाएगा। अगला है इसको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसको रीअरेंज करने के बाद एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में, इंग्लिश और वर्कबुक में जो भी रीअरेंज करने वाले सेंटेंस हैं लगभग 20-25 उनमें से ही आएंगे। तो देखते हैं एन एपल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इस प्रकार से बनेगा। अगला है डज द ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ही डज नॉट, और ये जो डज है ना ये मेन वर्ब है, ये हो जाएगा डू, क्योंकि ऐसे ही ये सट जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस है आपके पास में 13, द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच इट, है ना, जो पंखा है बहुत ऊंचा है और मैं इसे टच नहीं कर सकता, तो सो दैट का यूज़ करना है, तो सो दैट में हम कैसे लगेंगे, द पेन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट। अगला है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, राइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, आपको इफ को हटा के अनलेस लिखना है, तो आप इफ हटाएंगे साथ में डू नॉट भी हटाएंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। 15वां सेंटेंस, सीता डज नॉट सिंग सी डज नॉट डांस, आपको नाइदर नार का यूज़ करना, नाइदर नार का यूज ध्यान रखिएगा दोनों नेगेटिव सेंटेंस में हो, तो मतलब दोनों सेंटेंस जब नेगेटिव हो तो नाइदर नार का यूज़ करते हैं, एक डज नॉट को हटा के नाइदर लिखेंगे, एक डज नॉट को हटा के नॉर लिखेंगे, और जब डज नॉट हटाया है ना सेंटेंस को नाइदर लगाया तो हम सिंग में एस लगा देंगे और डांस में भी एस लगा देंगे, तो क्या बनेगा, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, ठीक है। 16वां सेंटेंस, मिस्टर गुप्ता टीच से हिंदी चेंज द वॉइस, ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, सी कैन नॉट अफोर्ड इट सी बाय से कार, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फिनिट क्लॉज, नॉन फिनिट क्लॉज में क्या करना है आपको, टू का यूज़ करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जैसे सी कांट अफोर्ड इट को हटा के टू लिखेंगे, ठीक है, सी कांट अफोर्ड टू बाय, है ना, बाय इसने लिखेंगे बाय ए कार, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है दे और वॉच वर्ब आपको दी है टेलीविजन सिंस मॉर्निंग और कहा है कि सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, ये जो वर्ब दी है इसके हिसाब से करेक्ट जो है टेंस का यूज़ कीजिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, क्या लगेंगे, वॉचिंग तो लिखेंगे लेकिन साथ में हैव बीन भी लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन होता है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, इस प्रकार का सेंटेंस को करना है चेंज द वॉइस, इसमें चेंज करना है वॉइस को, यानी पैसिव वॉइस बनाना है, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, वी सॉ ए वेरी गुड फिल्म यस्टरडे चेंज द वॉइस, ठीक है, तो अ वेरी गुड फिल्म, ठीक है, और यहाँ पर क्या है पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है तो इसमें क्या लगाएंगे पैसिव वॉइस में वॉच वेयर, द वेरी गुड फिल्म, ठीक है, वॉच सीन बाय अस यस्टरडे, ओके। लास्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस में हम देखते हैं द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस, कंबाइन सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, ओके फ्रेंड्स, ये हुआ आपका सेक्शन सी कंप्लीट, है ना, पिछले वीडियो में और इस वीडियो में करके हमने आपका जो है सेक्शन सी कंप्लीट करवा दिया है और सेक्शन ए अनसेन पैसेज भी कंप्लीट करवा दिया है। अब अगले वीडियो में हम जो है सेक्शन बी, है ना, इसमें राइटिंग स्किल होती है वो वाले चीज़ों को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहें, ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच।